आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बुंदेलखंड के विकास की धुरी बनने जा रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में आपके कर कमलों से यह एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने जा रहा है। मैं बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार महर्षि वेदव्यास की इस पावन साधना स्थली जालौन में उत्तर प्रदेश के सभी 25 करोड़ वासियों की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल नंदी जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, रामकेश निषाद जी, मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, डॉक्टर राम शंकर कठेरिया जी, श्री आर के सिंह पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व सांसद जालौन से घनश्याम अनुरागी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और बुंदेलखंड के कोने कोने से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उमड़े हुए सभी बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है, मैं इस अवसर पर पूरे बुंदेलखंड वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके विकास की धुरी बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यह बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जालौन में आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की उस परिकल्पना को साकार करने वाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवास से जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, घरौनी के जिस पवित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उत्तर प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जहां 100% लोगों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध करवा दिए गए हैं और उसमें घरौनी उपलब्ध होने के बाद आवासीय समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां दबंगों के द्वारा और अन्य कारणों से एक गरीब को मालिकाना हक नहीं मिल पाता था, वह जिस पुश्तैनी जमीन पर अपना मकान बनाता था उस मकान से जुड़े हुए कागजात न होने के कारण आर्थिक विकास के मार्ग को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में जो उसके सामने चुनौती होती थी, आपने उस चुनौती को ग्रामीण आवासीय अभिलेख के माध्यम से हर एक गरीब को उसके आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वह जालौन ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया है।
इसके लिए जालौन वासियों की ओर से भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे फरवरी 2020 में आपने चित्रकूट जनपद में इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया था। पूरी दुनिया विगत 28 महीनों से कोरोना महामारी की मार भी झेल रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को करते हुए 28 माह के अंदर 296 किलोमीटर लंबे फोर लेन के, जिसे सिक्स लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बुंदेलखंड को 2014 के बाद विकास, जन सुविधाओं और ईज ऑफ लिविंग की उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके लिए दशकों यहां के लोगों ने आजादी के बाद प्रतीक्षा की। आज हर बुंदेलखंडवासी आपके नेतृत्व में गौरव और गरिमा महसूस करता है, क्योंकि बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रत्येक उत्तर प्रदेशवासी और भारतवासी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपने जो दिशा पूरे देश को दी, उत्तर प्रदेश उसी को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज आजादी का जो अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, बुंदेलखंड सूखे की समस्या का समाधान करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने 2021 में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया था। ऐसे लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पूरी हुई, जिसके माध्यम से 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। और अब जब यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब बुंदेलखंड हर घर नल की योजना को पूरा करने की ओर अग्रसर है और बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के आपके महत्वाकांक्षी अभियान को भी हमें पूरा करने में मदद मिल जाएगी। आज के इस अवसर पर जब बुंदेलखंड के इस एक्सप्रेसवे का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं, या बुंदेलखंड वे एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औराई और होते हुए इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा, बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को तो ये आसान करेगा ही। चित्रकूट से दिल्ली की दूरी मात्र 6-6.5 घंटे के अंदर पूरा करने के साथ ही बुंदेलखंड के नौजवानों को और यहां के प्लान की बहुत बड़ी समस्या का समाधान के लिए आपने जो डिफेंस कॉरिडोर के दो महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में दिए हैं, ये दोनों नोड को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।